आपके पास में क्या है दिखाओ, कितने हैं? 500 ₹500। ये देखो वो गरीब महिला है, ये 500 रूपए अपने सीओ साहब को देना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक आप तक। तस्वीरों में दिखने वाली ये भानु प्रकाश सीओ हैं। यहाँ महिला 500 रुपए लेकर सीओ साहब को देने पहुंच जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये महिला सीओ साहब को 500 रुपए रिश्वत देने पहुंची है। हालांकि सीओ ने दरिया दिली दिखाते हुए अब 500 रुपए लेने से इनकार करते हुए नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग स्वयं इन्होंने कराई है। ये बात की प्रामाणिकता इस वीडियो से ही है। हालांकि ये वीडियो पुराना है, ये लालगंज मिर्जापुर में सीओ थे तब की यह वीडियो है, जिसके बाद यह वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसकी पुष्टि स्वयं क्षेत्राधिकारी रहे भानु प्रकाश ने की है कि यह वीडियो उनके द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। हालांकि इसका विरोध उच्चाधिकारियों ने किया था कि इससे उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि धूमिल हो रही है कि वास्तव में अभी भी रिश्वतखोरी चल रही है। यानी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहे हैं, जहां पर सीओ भानु प्रकाश अब महिला को 500 रुपए वापस लेकर जाने की बात बता रहे हैं। आपके पास में क्या है दिखाओ, कितने हैं? 500 ₹500। ये देखो वो गरीब महिला है, ये 500 रुपए अपने सीओ साहब को देना चाहती है। इसे लगता है खाना खर्चा देनी होगी, खर्चे के अब जवाब समझें सर, तुम शिकायत करें। नहीं, ये 500 रुपए काहे के लिए दे रही है हमें, हमें बताए, ये जानना चाहते हैं आपसे, हमें ये पैसे क्यों दे देंगे आप? इनको भी कवर अप करो, इतने सारे लोग हैं हमारे, हमारे सब संभ्रांत लोग हैं, आप समझ लीजिए। उधर से कहा जाएगा यार? हाँ उधर ही, उधर से आएगा। आप हमें ये पैसे क्यों देना चाहते हैं? दे रहे हैं मेरे जान भाई, आप लाई जी शिकार कर रहे हैं, गरीब हम बच्चे लोग हैं। 500 रुपए का बात भी दे रही है, ये बताओ जान बात हम देते जब क्या बात समझेगा, हम त्योहार का ईद नहीं समझ पा, यदि 500 रुपया आप हमें काय को दे बताए, हम त्योहार एप्लीकेशन या की जांच करते हैं, त्योहार का जो भी प्रॉब्लम बा हम उसको सॉर्ट आउट कराए, तो ये ई और हमें गवर्नमेंट इसके लिए बहुत तनखा देते हैं। तो हमें ये बताओ, क्या नाम है आपका? सुमन देवी। क्या आप ई 500 रुपया हमका काहे दे बताए? हम अपने खुशी से, आप खुशी से देखा, इतनी खुशी है आपको तो लालगंज में बांटो ना, ठीक है आप लालगंज में बांटो, हमने इकट्ठे कर लाते हैं, आप कितनी बड़ी दानदाता दानवीर कर रहे हैं आप, ठीक है आप नहीं लेंगे सर। हे भाई हमारा, हम तुम्हारा हाथ जोड़ते बात, हमें तुम्हार 500 रुपया ना चला, वो जो जौन जौन बेईमान है ना उनको दो, वो खाएंगे मरेंगे और आपकी बदगुमानी को झेलेंगे। जाइए आगे, हमारी निराशा का प्रतीक हमें बता देना चाहते हैं, हमारे आप सोलह संभ्रांत रहे, इनको कवर अप करिए, हमारी भाषण नहीं आए, इनके भी ये शकल आनी चाहिए। ये एक सिस्टम की एक खामी है कि हमारी जनता गरीब नहीं, हम पे विश्वास नहीं करती, उन्हें लगता है कि हम जब तक खर्चा नहीं देंगे तब तक कोई काम हमारा शायद होगा नहीं, हम कैसे वचन दें, ये भ्रष्ट तंत्र को कहां तक दूर करें, इनका जन विश्वास हम कैसे अर्जित करें, ये बड़ा कष्ट है और बड़ा दुख है। मैं इस देश का निवासी हूं और गवर्नमेंट मुझे बहुत तनख्वाह देती है, इतना देती है कि मैं खुद सोचता हूँ गवर्नमेंट क्यों इतना देती है, अगर मेरा काम निजी क्षेत्र में चला गया जिस दिन में, तो ये कुर्सी तो 1.5 लाख ले रही है, ये कुर्सी का काम सिर्फ 30,000 का रहेगा, देश के लिए पैसा बचेगा। तो आपसे हम हाथ जोड़ रहे हैं, आपकी जो अवधारणा बनी हुई है पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति, उसे हम दूर करेंगे और हम आपका विश्वास अर्जित करेंगे और दिखाएंगे कि बिना पैसे के भी हम आपका काम कर सकते हैं, करना चाहिए, ठीक है। अगर न्याय हो तो दोबारा न्याय, इन्हें बिस्किट खिलाओ, इन्हें बिस्किट खिलाओ भाई।